हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट्री बाय जस्नूर। सो आज हम लोग इस मेडिसिन के जो बॉक्स है इसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। मैंने इसका स्टिकर रिमूव कर लिया है जितना पॉसिबल था, मैंने एसिड वॉश वगैरह नहीं किया है बिकॉज वैसे भी जैसो के कोट के बाद इतना कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक जैसो का कोट करने वाली हूँ, सिर्फ यहीं तक करेंगे, इसके ऊपर रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज लास्ट टाइम मैंने डिड आई रियलाइज कि फिर अच्छे से कैप बंद नहीं हो पाता है। एंड ऊपर हम लोग इसकी कैप के ऊपर भी कर लेंगे, टॉप पार्ट पे, साइड पे, इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू डू और नो। सो जैसो के कोट से एक बेस कोट बन जाएगा। अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप नॉर्मल वाइट एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद में हम इसके ऊपर डॉट मंडाला करने वाले हैं बिकॉज आजकल आई वेंट टू दैट डॉट आर्ट वाइब। आपने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी, सो लेट्स जस्ट डू दैट ऑन दिस ऑल्सो। सो आप वेस्ट मटेरियल पे भी कोई भी आर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। अभी फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। नाउ जैसो का कोट हमारा ड्राई हो चुका है एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसका जो नीचे का बेस है वो चॉक पेंट से पेंट करने वाली हूँ। एंड चॉक पेंट मैंने बिल्कुल लाइट कलर का लिया है, दिस इज सैंडस्टोन कलर। एंड इसको अगर आप डायरेक्टली चॉक पेंट से भी करते हो तो चॉक पेंट थोड़ा सा थिक होता है, तो बिना बेस कोट के भी काम चल सकता है। एंड इसका जो टॉप कैप है उस पर आप देख सकते हो मैंने कुछ टेक्सचर क्रिएट कर लिए थे जैसो से, थोड़ी एक्स्ट्रा जैसो लगा के जस्ट डैबर लगा दिया था क्योंकि इस पर कुछ नेम इम्प्रिंटेड था कंपनी का विच आई रियली डिडंट वांट टू शो। एंड इसको मैं पेंट करने वाली हूँ इस कॉपर कलर से। इनका बेस पेंट करने के बाद में देन विल मूव ऑन टू द फाइनल डिजाइन। तो नाउ ये हमारी दोनों पेंट्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। सबसे पहले जो मैं करूँगी कि इसको प्रॉपरली बंद कर लूँगी बिकॉज इसके हमें ऊपर ही करना है, उस पार्ट पे हमें वैसे भी कुछ नहीं करना है। सो दिस ऑटोमेटिकली इज लुकिंग नाइस। इसमें मैंने कलर कंट्रास्ट लिया है, इधर डार्क एंड लाइट, एंड ये मैट फिनिश है, दिस इज पर्ल शाइन। एंड इसके ऊपर ये टेक्स्चर भी आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। नाउ यूजिंग ईयरबड एंड आई एम यूजिंग सम डॉटिंग टूल्स। आपके पास अगर ये डॉटिंग टूल्स नहीं है, आप मैच स्टिक्स या फिर ब्रश के पीछे की तरफ जो पार्ट होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, टूथपिक को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके लिए मैं बहुत लिमिटेड कलर्स ले रही हूँ, एक मैं पर्ल पिंक ले रही हूँ एंड आई एम टेकिंग मजेंटा एंड ऑरेंज। इस पर एक्रिलिक कलर ही करेंगे हम लोग क्योंकि पोस्टर कलर्स वॉश ऑफ हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी आप वेस्ट मटीरियल या किसी चीज़ को रीयूज़ करने वाले हैं जिसमें पानी वगैरह लग सकता है उसके ऊपर हम लोग पोस्टर कलर्स नहीं यूज़ करेंगे। सो लेट्स डू दिस। एंड डॉट आर्ट कंप्लीट होने के बाद अगर आप उसको सील करना चाहते हो तो आप उस पर एक कोट वार्निश का लगा सकते हैं ताकि वो बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगा एंड उस पर एक बहुत ही अच्छी सी शाइन भी आ जाती है।
सो ये हमने डॉट आर्ट के तीन डिजाइन इस एक बॉटल पे क्रिएट किए हैं. यू कैन सी. आई होप यू लाइक दिस आइडिया. अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड.